नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। तो भाई अपनी रीजनिंग क्या थी, दूसरी क्लास है जिसमें पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई, कैलेंडर। कैलेंडर का पूरा जो कंप्लीट बेसिक है वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई इसके बेसिक क्वेश्चंस। छोटी सी क्लास लेंगे बिल्कुल बेसिक, इसका जो अच्छे से हमने किया था उसको थोड़ा डेवलप करेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे उसको और फिर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे भाई, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम फ्लैशबैक देख लेते हैं। देखिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था भाई कि कैलेंडर के जो कोड्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा कोड लिखवा दूं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे मंथ थे भाई, हमने पढ़ा था। इन मंथ्स के कोड हमने लिखे थे 1, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4 और 6, ठीक है भाई। हमने लिखा था इसको, हमने बोला था कि 12 का स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर, ये तीनों मिला के सितंबर तक ये 6 का स्क्वायर, और ये क्या था भाई 12 का स्क्वायर प्लस 2। हमारा ये थोड़ा फ्लैशबैक था भाई जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। और सेंचुरीज के कोड लिखे थे हमने भाई कुछ, सेंचुरीज के कोड जैसे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे भाई, 1500 से, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 22, ऐसे हमने कुछ पढ़ा था भाई। मैंने इसके लिए आपको क्या ट्रिक बताई थी कि हम कहां से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से, बेसिक से शुरू कर देंगे भाई, 0, 6, 4, 2, दोबारा से 0, 6, 4 और 2, इसका ऐसे ही रिपीटेशन रहेगा भाई, हम कहां भी नीचे चले जाए और कहीं तक भी ऊपर चले जाए सेम रिपीटेशन रहेगा इसका बिल्कुल, ठीक है। 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2100, 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
ये मैंने पिछली क्लास में पूरा पूरा कंप्लीट किया था भाई। प्लस इसके साथ हमने क्या किया था, मैं थोड़ा सा रफ करके करना चाहूंगा। हमने क्या लिखा था भाई, डेज के कोड लिखे थे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वीक होता है वो किससे शुरू होता है, संडे से शुरू होता है भाई। वीक में हम पहले दिन ही छुट्टी कर लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, जो आज है शनिवार। ठीक है भाई, संडे को हम कौन सा दिन मानते हैं भाई, पहला, मंडे को दूसरा, ट्यूसडे को तीसरा, वेडनेसडे को चौथा, थर्सडे को पांचवा, फ्राइडे को छठा और सैटरडे को हम लिखते हैं 00। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके अपना पूरा जो वीक है 7 दिन का वो क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था 0, ये हमारा पिछली क्लास का मेन फ्लैशबैक है भाई। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा है। अब हम आगे बिल्कुल नॉर्मली आसान टाइप्स के क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल टाइप के क्वेश्चन, आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं भाई आज का अपना पहला क्वेश्चन, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के अपने टॉपिक का। देखिए भाई, अपना पहला क्वेश्चन, यदि 25 जनवरी 2023 को मंगलवार है तो आने वाले साल हम गणतंत्र दिवस को, आने वाले साल का गणतंत्र दिवस कौन से दिन मनाएंगे। देखो भाई, हम एक चीज पढ़ेंगे, जैसे कि आप सब ये सोचोगे कि ये कोड से निकालेंगे पहले इसको कि मंगलवार है या नहीं, लेकिन हम यहां ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सीधा सा उसने क्या बोला है, 25 जनवरी 2023 इस दिन कौन सा दिन है भाई, मंगलवार, ये उसने बोला है। और मैं बोलूं कि 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा भाई, तो होगा बुधवार। कौन सा दिन होगा भाई, 26 जनवरी को होगा बुधवार। देखो एक पहले इसको देखो, सारा का सारा जो मैटर करेगा ना ये करेगा 23। अब 23 है तो क्या ये लीप साल है, लीप साल नहीं है, तो ये कौन सा साल है भाई, नॉर्मल साल है। नॉर्मल साल के लिए हम हमेशा एक हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है, हम क्या करेंगे कि हम दिनों में सीधा एक प्लस कर देंगे, यानी कि अब 2024 में
इसके एक और नहीं, गणतंत्र दिवस पिछले साल कब मनाया? बुधवार को। इस साल कौन से दिन मनवाएंगे? वीरवार। यही हमारा जवाब होगा भाई। देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। जैसे कि नॉर्मल साल है कोई भी बिना लीप, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस एक दिन कर देंगे। आप देखोगे तो अभी नॉर्मल साल होगा ना, अगर बुधवार से शुरू हुआ तो बुधवार पे ही खत्म होगा, शुक्रवार से शुरू हुआ तो शुक्रवार पे ही खत्म होगा, ठीक है। हम सिर्फ जो एक तारीख मान के चलो, 1 जनवरी 2025 को आएगा भाई सोमवार, 1 जनवरी 2025 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा भाई, ठीक है ना। कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, समझ गए। ऐसा ही होता है क्योंकि 365 दिन में क्या होता है, 52 वीक होते हैं कंप्लीट, और एक दिन कौन सा होता है भाई, अलग से होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई ये बात? ओके है, बिल्कुल सभी को समझ में आ गई भाई। कैसे आया कि 25 जनवरी 2023, देखो जब भी बात आ जाए लीप साल की, मान के चलो ये बोलता 2024 कि 2024 को मनाया जैसे इस हिसाब से वीरवार को, और हमसे पूछ ले कि 2025 में कौन से दिन मनाएंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे दो। अब आप सोचोगे दो क्यों? क्योंकि इस साल में एक दिन ज्यादा आया भाई 2024 में, कौन सा? 29 फरवरी, क्योंकि ये एक लीप साल है, लीप साल के अंदर एक दिन ज्यादा आता है, ठीक है, क्लियर है भाई इतना। 29 फरवरी का जो दिन है हमारा वो लीप साल के अंदर ही आता है, और लीप साल कितने साल में एक बार आता है भाई? 4 साल में एक बार आता है लीप साल, 4 साल में एक बार आता है। और लीप साल हमारा जो पूरी 4 से भाग हो वही साल कौन सा होता है भाई? लीप होता है। जैसे कि 2024 चल रहा है, 2024 कौन सा है भाई? एक लीप वर्ष है, एक अधिवर्ष है, ठीक है, समझ गए, क्लियर इतना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है भाई। तो अब इसमें देख रहे थे हम क्या बोल रहे थे कि 2024 में अगर वीरवार को मनाएगा तो 25 में कौन से दिन मनवाएगा? वीरवार से हम दो दिन प्लस कर लेंगे, शुक्रवार और शनिवार, तो इस दिन कौन से दिन मनाया जाएगा भाई? शनिवार। तो यहां से हमें देखो क्या पता चलता है कि जब भी कोई फिक्स डेट दे दे हमें और उससे क्या पूछ ले, सेम उसी डेट को, चाहे उससे 5 साल बाद पूछ ले, 7 साल बाद पूछ ले, ठीक है, चाहे 10 साल बाद पूछ ले, हम क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर के लिए 1 प्लस करेंगे और लीप ईयर के लिए 2 प्लस करते चलेंगे, ठीक है। 7 प्लस होने पर वो सेम वही दिन आ जाएगा, अब तुम्हें 7 दिन है, 7 प्लस होने पर क्या होगा, सेम वही दिन दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। सात एक एक बात मान के चलो, 10 तारीख को है हमारा संडे, कल संडे, तो एग्जैक्ट 7 दिन बाद यानी 17 को फिर क्या है, संडे, तो 7 दिन बाद दिन की रिपीटेशन होगी ना, बस वही सेम चीज रहेगी। लीप के लिए 2 जोड़ेंगे, नॉर्मल के लिए 1 जोड़ देंगे, ठीक है भाई, क्लियर है इतना, आ गया समझ में, आ गया, करो भाई अगला। देखिए अगला, अगर साहिल ने अपना जन्मदिन 21/6/2016 को, अब ये बात देखिए, 21/6/2016 को सोमवार के दिन मनाया है, तो बताओ दोबारा अब वह सोमवार को कौन से साल अपना जन्मदिन मनाएगा? देखो सीधी सी बात है भाई, पूरा एक हफ्ता आगे जाना है, ठीक है। अब उसने 21 जून 2016 भाई, कौन सा दिन बताया इसने? अब हम कोर्ट के लगा के अगर इसको करेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे, तो हम ये थोड़ी ना पता कर पाएंगे, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 में आ सकता है, 21 में, 22 में, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब 2016 से 17 जाने के लिए मैं क्या एक ऐड करूंगा या दो ऐड करूंगा? एक ऐड करूंगा या दो ऐड करूंगा? देखो है तो लीप साल, लेकिन ये लीप में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फरवरी से बाद की बात है, जो 29 फरवरी का दिन है ना वो पहले काउंट हो लिया इससे भाई, ठीक है। लीप साल ये नहीं होता कि 2016 लिख दिया तो लीप आ गया, लीप आने के लिए उस डेट के अंदर क्या आना चाहिए, 29 फरवरी से पहले की डेट होनी चाहिए वो लीप साल की, ठीक है, तभी उसके अंदर। एक तुम बताओ, अब मैं कहूं कि 21 जून 2017,
21 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? 21 जून की बात कर रहा हूं। क्या इनके बीच में 29 फरवरी आया भाई कभी? नहीं आया ना, तो नहीं आया तो क्या होगा? सिर्फ एक प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा भाई? मंगल। 17 के लिए एक प्लस हो गया भाई। दोबारा से 18 के लिए क्या होगा? 19 के लिए 20 के लिए 20 के लिए क्या होंगे? दो। अब देखो तीन कितने प्लस हो गए, एक दो तीन और दो पांच। 21 के लिए एक, 22 के लिए एक। अब मंगलवार था यहां पे, बुधवार 2018 में, वीरवार 2019 में, 2020 में, शनिवार 21 में, 21 में संडे और 22 में सोमवार। यानी वो अपना दिन कब मनाएगा? 2022 में, ठीक है। 21 जून 2022 में दोबारा से वह अपना जन्मदिन उसी दिन मनाएगा। अब यहां से देखो एक चीज और निकल के आ गई कि जब भी हम बात करेंगे लीप साल की, लीप साल के ऊपर हम बात करेंगे, जब भी लीप साल के ऊपर, कैसे जैसे कि जो लीप के बाद की बात है, तो उसी डेट पे मान 1 मार्च से 31 दिसंबर, 1 मार्च से हम 31 दिसंबर के बीच की बात करेंगे, जिसके अंदर लीप वाला दिन काउंट ना हो, 29 फरवरी काउंट ना हो, वही सेम चीज कितने साल बाद रिपीट होगी भाई? 6 साल बाद। ये बात समझ में आ गई? 2016 में था, दोबारा कब आया? 2022 में। 17, 18, 19, 20, 21 और 22। आगे बात समझ में? ओके, बिल्कुल भाई। 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच की कोई भी डेट है अगर लीप साल की, तो वो कब रिपीट होगी भाई? 6 साल बाद। और लीप साल की कोई भी डेट है जो 1 जनवरी से 29 फरवरी तक है, 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच की है, तो ये कितने साल बाद होगी भाई? 5 साल बाद रिपीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में कितना ऐड करवा देगी? 2, ठीक है। तो ये कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा भाई? ये चीज 5 साल बाद रिपीट हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? ये चीज हमारी 5 साल बाद रिपीट हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या आएगा भाई? 2022, सन 2022 में 21 जून 2016 को जैसे उसने सोमवार को धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया था, वैसे ही 2022 में भी मनाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? करें अगला। चलो भाई, अगर अगस्त महीने की 3 तारीख को रविवार है, तो पूरे महीने में कितने सोमवार होंगे? अब इस चीज को देखना, एक बार समझना थोड़ा ध्यान से टॉपिक को, ये कि 3 तारीख है भाई अगस्त की, 3 अगस्त को क्या है भाई? रविवार है, ठीक है भाई। 3 अगस्त को रविवार है, इसका मतलब 2 को और 1 को, 1 को क्या होगा भाई? शुक्रवार। और 2 को क्या होगा भाई? शनिवार। यही चीज होगी, ठीक है। उसने क्या पूछा कि पूरे कितने महीने में कितने सोमवार होंगे? 4 को क्या आ जाएगा भाई? सोमवार। अब आप देखो अगस्त महीने में दिन कितने हैं भाई? अगस्त महीने में दिन होते हैं 31, ठीक है। आप एक बात नोट करोगे, बिल्कुल नोट डाल के चाहे लिख भी लेना उस बात को स्टार मार्क करके, कि जिस भी महीने में 31 दिन हो, जिस भी महीने में 31 दिन हो, तो उसकी जो पहली 3 तारीख होती है भाई, 1, 2 और 3, जो पहली 3 तारीख होती है वो कितनी बार आएंगे? 5 बार। और जिस महीने में 30 दिन हो, जिस महीने में 30 दिन हो, उसकी पहली और दूसरी तारीख कितनी बार आएगी भाई? 5 बार।
ठीक है। फरवरी एक अकेला ऐसा महीना है जिसमें लीप साल को छोड़ के कोई भी दिन चार बार से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि तो उसमें कितने दिन है भाई, 28 पूरे पूरे 7 हफ्ते बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर 31 दिन का महीना है तो 1, 2, 3 तारीख कितनी बार आएगी महीने में, 3 तारीख को जो भी दिन होगा 5 बार आएगा वो दिन। 30 दिन वाले महीने में 1 और 2 तारीख को जो भी दिन होगा वो कितनी बार आएगा भाई, 5 बार। अब देखो इसने क्या पूछा सोमवार के बारे में, सोमवार कितनी तारीख को है, 4 तारीख को। महीने में दिन कितने हैं, 31, 4 तारीख को तो चाहे कौन से भी महीने में वो दिन कितनी बार आएगा भाई, 4 बार ही आएगा। यानी सोमवार कितनी बार आएगा टोटल, अगस्त के महीने में 4 बार आएगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको याद रखनी होगी भाई बिल्कुल, कि 31 दिन के महीने में पहली दूसरी और तीसरी तारीख को जो भी दिन होता है वो 5 बार आएगा, और 30 दिन के महीने में पहली और दूसरी तारीख को जो दिन होगा वो 5 बार आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे। यदि बीते कल से पिछला दिन शुक्रवार था, यदि बीते कल से पिछला दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल से अगला दिन क्या होगा, कॉपी कितने तेरी पेन हाथ लिखेगा कौन है क्लास के बाद रिवाइंड करके देखिए एक बार, क्लास के बाद प्लेबैक देखिए कैमरे का कितना भी लिखा है, ठीक है दिखाई दूंगा प्लेबैक। यदि बीते कल से पिछला दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल से अगला दिन क्या होगा, कॉपी में नोट होना जरूरी है भाई, चाहे आए ना आए ये चीज मैटर नहीं करती, कॉपी के अंदर नोट होना एक बार बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आप सीधा कुछ भी मतलब लिख लिया थोड़ा सा, उस तक ये थोड़ी ना पता चलेगा कि हाँ अपन ये चीज इस दिन पढ़ी थी, बल्कि मैं देखा था ऊपर डेट डालो पहले, और जो हमारा स्टार्टिंग वाला पेज एक पेज जो हम खाली छोड़ते हैं ना, बोले राम का नाम का एक पेज, वो राम रूम के नाम का कुछ नहीं होता भाई, वो पहले कॉपियों में इंडेक्स नहीं आया करता, ठीक है, जो आजकल कॉपियों गत्ते पे आते हैं इंडेक्स, पेज नंबर डालो पूरी की पूरी कॉपी के अंदर, पेज नंबर डालो उस पर आप लिखो कि इतने पेज नंबर पे ये टॉपिक, और पहले पेज पे लिखो, जब भी आपको टॉपिक वो पढ़ना होगा आप तुरंत वो खोलोगे और उसी पेज के ऊपर मिल जाएगा, इसलिए होता है एक पेज वाला जी एक पेज राम का, राम आके बैठेगा भाई, ठीक है। राम को तो मोदी जी लेके आए हैं 500 साल बाद, है ना कोमल, राम जी जिंदा हो गए दोबारा से 500 साल बाद मोदी जी लेके आए, ठीक है राम मंदिर, लेकिन नीरव मोदी को नहीं लेके आए, लेके आने पाए भाई, जो इंसान अभी जिंदा जागता है नीरव मोदी, अपने देश का कितना पैसा खा के भाग गया नीरव मोदी, लगभग 500 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं है भाई, अपना एक क्लास रूम फुल भर जाए पैसों का, और आप बाट बाट के खाएं गोलगप्पे खाने चले फिर आप। अरे तो दिखाना थोड़ी है, किसी को दिखा दिया तो अपने कोई कनपट्टी पर रखेगा, और अपना उनको आ जा भाई है। अरे ये बात नहीं है, ये बात भाई हमारा एक खेत के पड़ोसी है, तो वो बोले मतलब मेरे साहू जी थी कि है ना, एक तो खेत में हम 3 जने सो वहाँ, जैसे हमारे धान धून खेत में डाल रहे हैं भाई, कल तो चौथा भी सोगा, तो भाई मेरे ताऊ बोला कि 2 पिस्तौल वाले आ गए, तम तो पहला उन्हें ट्रैली भरवा के नए भाई हमने छोड़ दो और तम जाओ ले जाओ धान, ठीक है डर सबने ला गया भाई मरण पर, अपन वही तो रुपये दिखे वो खाली कौन छोड़ा, अपन मार के एक कोने में केस रखा था, अपना इंडिया बहुत बिका हुआ है, मोदी जी की कृपा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। यदि बीते कल से पिछला दिन शुक्रवार था, देखिए भाई इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मान के चलो ये दिन है भाई आज का प्रेजेंट है, ये कौन सा दिन है भाई, आज का दिन है ये प्रेजेंट है, ठीक है। बीता हुआ कल यानी ये बीता हुआ कल, इससे पिछला दिन, ये दिन कौन सा है भाई, ये दिन है भाई शुक्रवार, ठीक है ये शुक्रवार था, ये शनिवार, ये क्या हो गया भाई,
रविवार। ठीक है भाई, बीते कल से पिछला दिन शुक्रवार था, कल वाला दिन कौन सा था? शनिवार। और आज कौन सा दिन हो गया? रविवार। उसने पूछा गया तो आने वाले कल से आने वाला कल एक दिन और उससे अगला दिन ये कौन सा हो गया भाई? मंगलवार। ये टाइप जो है ये सबसे आसान है भाई, कैलेंडर टॉपिक में ये टाइप सबसे आसान है। ठीक है, जिसको हम निकालने के बस ये एक आसान सा तरीका रहता है। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे प्रेजेंट की आज क्या हो रहा है। आज राहुल गांधी हो रही है। ठीक है, देश का नेता कौन बनेगा? राहुल गांधी। छोटे थे तो आपने क्या प्रेयर में भाई स्कूल में था, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हैं। आप तो कर सकते हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो भाई, आप बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स, आरजू एयरफोर्स है, आरजू एयरफोर्स में लग के देश की रक्षा हम करेंगे या फिर कोमल करेगी है आरजू, कौन सी एक करेगी देश की रक्षा? अर्जू। दोनों मिलके नहीं करोगे हैं, ये नहीं, वो दोनों मिलके कर लेंगे लेकिन अर्जू कर लेगी है कोमल, मौत डर लागे तने। तो फिर एकता की भावना, तो देश की रक्षा क्यों नहीं करोगे? वो तो आप मोदी के तो भगत हो, आपका तो हो जाएगा। हो गया भाई ये। देखिए अगला, यदि बीते हुए कल से पिछला दिन सोमवार था तो आने वाले कल से तीसरा दिन क्या होगा? यदि बीते हुए कल से पिछला दिन सोमवार था तो आने वाले कल से तीसरा दिन कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीते हुए कल बात करेंगे हम प्रेजेंट पे, यानी कि आज पे, उससे बीता हुआ कल, उससे पिछला दिन, ये कौन सा दिन था भाई? सोमवार। ये मंगलवार। ये कौन सा दिन आ गया भाई? बुधवार। अब उसने क्या बोला, आने वाले कल से तीसरा दिन। अब आने वाला कल आ गया भाई, ये आ गया, इससे तीसरा दिन, इससे पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। अब ये था बुधवार, तो ये वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये कौन सा दिन आ जाएगा भाई? रविवार। और यही हमारा आंसर, सबसे आसान टाइप है भाई, बिल्कुल इसको डंडी लगा लगा के करना है। बचपन में जैसे हमने गिनती सिक्के दी, डंडी लगा लगा के एक और एक, दो तीन चार पांच, पांच डंडी जोड़ दी पांच। ठीक है, रोबिन, देश की रक्षा कौन करेगा? रोबिन। आप दोनों में मिरान अमित के घर, अमित ना जाने को सा, अमित जाट में था भाई, जाट 22 में, 22 में ना 17 में था, उसका भाई 19 में शायद शहीद हो गया। हाँ हाँ भाई अमित, हाँ तेरा भाई तो जाट था होगा, क्योंकि वो तो दोनों भाई जाट में ही है, उसका भाई सुमित, हाँ 19 जाट में है वो, 17 जाट में, 2021 अगस्त में शहीद हुआ था वो। हो गया भाई, क्लियर है? उससे अगला भी, यदि 21/8/2006 को मंगलवार है तो 23/2/2024 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे भाई हम बात करेंगे हमारे कोड वाले, ठीक है, जो हमने कोड पढ़े थे हम उनकी बात अब कहाँ करेंगे भाई? यहाँ करेंगे। जैसे कि देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था भाई, कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, डेट लेंगे, मंथ कोड लेंगे, सेंचुरी कोड लेंगे, गिवन ईयर लेंगे और लीप ईयर लेंगे। उसको हम किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे और फिर हम नीचे क्या लिख देंगे भाई, रिमाइंडर, यानी कि जो भी हमारा शेष फल होगा हम वो लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे भाई, मैं दोबारा से आज एक बार लिख दे रहा हूं, डेट लेंगे प्लस एमसी मंथ कोड लेंगे प्लस
सीसी सेंचुरी कोड लेंगे प्लस जीवाई गिवन ईयर लेंगे प्लस एलवाई लीप ईयर लेंगे भाई, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे 700 और यहां पे हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये काम हमने को करना है। ठीक है, और मैंने यही बताया था कि देखो इसने बोला कि मंगलवार, क्या पता इस दिन मंगलवार ना हो, इसमें वो जितना प्लस करेगा उतना ही प्लस करेंगे और जितना उसने माइनस करके लिख रखा होगा उतना ही माइनस करके लिख देंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम 21/8/2006 को पता करते हैं कि मंगलवार था या नहीं था। हम क्या लिखेंगे 21 प्लस मंथ कोड अगस्त का 3 प्लस 2000 का भाई 6 प्लस गिवन ईयर 6 प्लस लीप ईयर 1, और हम इसको किससे भाग कर देंगे भाई 7 से भाग कर देंगे। अब 7 से पूरा पूरा क्या कट रहा है भाई, 21 कट गया 6 और 1 7 कट गया, क्या बच गए 6 और 3 9 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई 2 बचेगा हमारा शेषफल। ठीक है, हमें यहां पे क्या लिखना है भाई रिमाइंडर ही लिखना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है रिमाइंडर हम लिखेंगे 2 का मतलब कौन सा दिन आ गया भाई, इसने तो बोला था दिन होता है मंगलवार लेकिन ये तो सोमवार आ गया भाई, इस दिन तो सोमवार है, तो इसने क्या कर रखा है 1 प्लस 1 करके इसने लिख रखा है, क्या कर रखा है इसने प्लस 1 करके लिख रखा। अब हम 23/2034 को जो भी दिन होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे भाई, हमारा क्या होगा भाई जवाब होगा। जैसे कि हम 23 के लिए कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 23 डेट, अब 2034 है लीप साल नहीं है ना, कोई लीप ईयर नहीं है। सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया भाई, जहां पे हमने कोड पढ़े थे वहां पे हम क्या करेंगे, जब भी कोई लीप ईयर होगा लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी इन दो महीनों के कोड चेंज होंगे भाई, जनवरी का कोड होगा 3 और जनवरी का कोड होगा 0 और फरवरी का कोड होगा 3। ये चीज मैं आपको सॉरी वहां बतानी भूल गया था भाई, जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का कोड 3 होगा, कौन से साल में होगा लीप साल के अंदर ये कोड होगा भाई। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे 23 प्लस फरवरी का कोड 4 क्योंकि लीप साल नहीं है भाई। ठीक है, प्लस 2000 का कोड 6 प्लस गिवन ईयर 34 प्लस लीप साल 8। अब आप सोच रहे हो कि 8 कहां से आया, देखो भाई 34 के अंदर हमें यह पता करना है कि अब तक कितने लीप साल आए हैं, तो हम इसको क्या करते हैं लीप साल कितने साल में एक बार आएगा 4 साल में एक बार, तो 34 के अंदर आप ये देखिए कि 4 कितनी बार आया 8 बार, 8 चौके 32 यानी 8 बार इसमें क्या आया भाई 4 लीप साल आया 4 आया। ठीक है, 34 के अंदर हम सिर्फ लास्ट के दो डिजिट के अंदर देखेंगे भाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो अक्षरों के अंदर देखेंगे भाई, तो यहां से आ गया हमारा। अब देखिए इसको करते हैं अब हमें इसको 7 से भाग करना है भाई, और यहां पे क्या लिखना है शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो भी हमारा बचा हुआ है। 34 और 8 42 होता है भाई, 7 6 42 पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 और 6 29 कर लो, शेष बचेगा 1 28 पूरा भाग हो जाएगा, तो 4 और 1 क्या बच गया भाई 5 बच गया, 5 का मतलब क्या होता है भाई वीरवार, यानी इस दिन तो कौन सा है भाई वीरवार, लेकिन हम कौन सा लिखेंगे प्लस 1 करके हम क्या लिखेंगे भाई शुक्रवार, तो एग्जामिनर के हिसाब से हमारा कौन सा जवाब आएगा भाई, इसका जवाब आएगा शुक्रवार, इसका जवाब आएगा भाई शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार इसका जवाब आ जाएगा। ये चीज है जो आपको मोस्टली याद रखेंगे भाई कैलेंडर के टॉपिक में पूरी की पूरी, ये जो चीज यदि 21/8/2006 को मंगलवार है तो बताओ 23/2034 को कौन सा दिन होगा भाई शुक्रवार। ठीक है, क्लियर है, कोड समझ में आ गया, कोड याद करने पड़ेंगे भाई, कोड के लिए एक अपनी अच्छी सी ट्रिक थी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे 12 का स्क्वायर पहले 3 महीनों के लिए, फिर 0 लगा के 5 का स्क्वायर अगले 3 महीनों के लिए, फिर 0 लगा के 6 का स्क्वायर अगले 3 महीनों के लिए, फिर 0 लगा के फिर 146 12 का स्क्वायर प्लस 2 हम ये करेंगे 12 के 12 महीने आ गए भाई, 3 3 1 3 सेट बन गए 4 सेट बन गए हमारे।
ठीक है। और लीप साल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया वहां बताना भूल गया था, जनवरी के लिए कोड होगा हमारा 0, फरवरी के लिए हमारा कोड होगा 3, बाकी सब क्या रहेगा भाई एज इट सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये देखिए, यदि 24 जून 2004 को रविवार है तो बताओ 5 सितंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? तो बताओ 5 सितंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? देखिए भाई, इसको सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, डेट यानी कि 24 प्लस मंथ कोड, जून का मंथ कोड क्या होगा भाई, जून का मंथ कोड 5, तीन दिन के सेट में याद करोगे तो आराम से याद रहोगा भाई, 3 का पहले 12 का स्क्वायर था, उसके बाद 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर में लास्ट में क्या हुआ है 5, तो यानी कि अपना 5 प्लस सेंचुरी कोड 6 प्लस गिवन ईयर 4 प्लस लीप ईयर 1, और इसको हम भाग कर देंगे किससे भाई, 7 से भाग कर देंगे, देखो 24 और 4 28 कंप्लीट कट गया, 6 और 1 7 कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया 5, 5 रिमाइंडर बच गया, मतलब कौन सा दिन है भाई, वीरवार, पांचवा दिन आया हमारा कौन सा, वीरवार। एक में इसने देखो इसने क्या बोला, एक इसने क्या बोला है एक, तो हम इसमें से क्या करेंगे, या तो हम 4 जोड़ देंगे, सॉरी या तो हम 4 माइनस कर लेंगे, या फिर जोड़ेंगे कितना भाई, 3 जोड़, 3 इसने रविवार बोला, 3 रविवार 8वें दिन है, या फिर इसमें क्या कर देंगे हम प्लस 3, ठीक है, या तो हम 4 घटा देंगे या हम 3 जोड़ देंगे, कोई भी चीज कर लेंगे हम, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उसके बाद देखिए इसने क्या बोला, 5 9 1998, सबसे पहले डेट लीजिए 5 प्लस सितंबर का कोड क्या होगा भाई 6 प्लस 1900 का कोड 0 प्लस गिवन ईयर 98 प्लस लीप ईयर 24, 2496 होता है भाई, 7 से भाग करेंगे 98 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है 14 7 98 7 से पूरा पूरा भाग हो गया, 24 और 5 29 29 और 6 29 और 6 35 35 7 से पूरा पूरा भाग हो गया, शेष क्या बचिया 0 और 0 का मतलब क्या होता है भाई, इस दिन कौन सा दिन था, शनिवार, शनिवार था। अब हम देखो हमें क्या करना है, या तो हम माइनस 4 करें या फिर प्लस 3 करें, हम प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, तीसरा दिन होगा, 3 कोड हमारा किसके लिए था, मंगलवार के लिए, तो इस दिन कौन सा दिन आएगा भाई, मंगलवार, मंगलवार इज द राइट आंसर, ठीक है भाई क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है भाई वो पूछ सकता है, ऑनलाइन वाला भी अपना कमेंट डाल के पूछ सकता है, और ऑफलाइन वाला भी भाई आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट संशय दाद खाज खुजली है, किसी की कोई भी इच्छा हो कुछ पूछने की तो वो पूछ सकता है भाई, फिर हम आज की क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम करेंगे, टाइम हो गया आपका दूसरी क्लास का, आज की क्लास आपकी भाई, बताओ कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है भाई आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं, मिलते हैं आपसे दोबारा से फिर से एक और ऐसी क्लास के साथ जिसमें हम कैलेंडर के टॉपिक को आगे पढ़ेंगे भाई, ठीक है
धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे दोबारा से ऐसी एक और अच्छी सी क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।